हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं एक छोटी सी वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक महीने का अपने चैनल पे गैप क्यों ली। कोई भी वीडियो मैंने एक महीने से नहीं डाला है। उसका रीज़न, क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, थोड़े बहुत ही सही, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा गैप क्यों लिया है। तो पहला तो रीज़न हमारा ये था कि हमारा पहले ट्रांसफ़र हुआ, मतलब नवंबर के स्टार्टिंग में ट्रांसफ़र हुआ। तो उस टाइम पर मैं गैप करके एक दिन करके मैं वीडियोज़ डाल रही थी, क्योंकि मैंने पहला वीडियो बनाया हुआ था। तो जो भी वीडियो थे मैंने वो डाल दिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब लगने लगी। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, उनको वीकनेस थोड़ी आने लगी या कुछ भी, लेकिन एक डर आजकल था कि कोरोना का डर होता है, लेकिन उनको थोड़ी ठंड लगती थी। मतलब ठंड जो होती है कपकपी जैसी, वैसी थी। उनको फीवर नहीं आया था और सर्दी खांसी भी नहीं थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन क्योंकि हमें पटना जाना था ये दिवाली और छठ के लिए, तो हमने सोचा कि पहले टेस्ट करवा लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हाँ जल्दी से ठीक हो जाए। कुछ भी रहेगा तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, नॉर्मल भी है तो हमने टेस्ट जब करवाया तो हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट करवाया और डेंगू मलेरिया अलग अलग टेस्ट करवाया था, उसमें एक कोरोना का भी था। तो उनका कोरोना पॉजिटिव आया, जबकि लग नहीं रहा था कि उनको कोरोना है, वैसा कुछ ऐसा लगा नहीं था, लेकिन अलग अलग चीज़ें होती है हर बॉडी के हिसाब से। तो उनको पॉजिटिव आया तो उनको तो हॉस्पिटल में मैंने एडमिट करवा दिया था उसी टाइम पे। उसके बाद मम्मी पापा भी आ गए जब पता चला, तो दिवाली भी गई, छठ भी हमारा गया, मेरा हमने फिर टेस्ट करवाया, मतलब मैं और मेरा बेटा दोनों साथ में रहते थे तो हमने टेस्ट करवाया तो मेरा बेटा भी पॉजिटिव आ गया। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको सिर्फ विटामिन सी की गोली खानी पड़ी और वो एक्टिव था, सब कुछ था। उसको सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं था, उसका तो सब कुछ सही था। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है उनका सीरियस हो गया था, मतलब कि उनको कोई बीमारी नहीं है, एज भी ज़्यादा नहीं था, और उसके बाद भी उनको प्लाज्मा देना पड़ गया। और वो भी नहीं, हमने लेट भी नहीं किया था, बहुत जल्दी सब कुछ हो गया, फिर भी सीरियस हो गया। तो उसके कारण घर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहा, मतलब अलग बहुत ही अजीब सा माहौल बन गया था। तो उस टाइम पे तो कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, इसलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया, मतलब कुछ दिमाग में नहीं था। खाना पीना भी बंद हो गया था हम लोग का, तो वैसा वैसा चल रहा था घर में काफ़ी दिन तक। 17 दिन हॉस्पिटल में वो रहे, उसके बाद वो घर आए, तो उनको फिर भी उनको मतलब वीकनेस काफ़ी दिन तक रहती, अभी भी है उनको, हाथ पैर हाथ में स्वेलिंग, तो जहाँ जहाँ सुई लगी थी बहुत ज़्यादा मतलब हुआ था उनके साथ में, लेकिन अब वो ठीक है। उसी भी हमारी तो कितनी सारी प्लानिंग भी थी कि पटना जाना है, छठ करना है, मम्मी के मतलब छठ था, फिर हमारी एनिवर्सरी 22 तारीख को थी, हमारा यूट्यूब का 1 साल कम्प्लीट हो रहा था 22 तारीख को ही। तो सब कुछ मतलब चला गया इसी टेंशन में, लेकिन कोई नहीं, होता है कभी कभी। मैंने पहली बार शादी के बाद मतलब उनकी तबीयत ख़राब हुई देखी थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, मतलब होता है ना कि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। तो अब लेकिन सब कुछ ठीक है, अब वो भी ठीक हो गए हैं, हमारे घर में भी सब ठीक है। और अब मैं अपना वीडियो फिर से स्टार्ट करूँगी, वो भी अपना जॉब पे जाना स्टार्ट कर दिए हैं, और मैं अपने काम पे आ जाऊँगी। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं कि हाँ अभी तक डाला नहीं, तो अब मैं वापस अपना काम करने वाली हूँ, और आप लोग बस सपोर्ट कीजिएगा और बस अपना ध्यान रखिएगा। कुछ भी थोड़ा सा भी कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप प्लीज़ एक बार चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ नहीं होता फिर भी पता नहीं कैसे सीरियस हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा बस। और बस मैं अब वापस अपना काम पे वापस आ रही हूँ, वीडियोस अपलोड करूँगी, आप देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिए।